भाई कौन सी साइट है ये इतनी जल्दी टिकट और इतने कम टाइमिंग में? सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। हो और देखो हो अमाउंट, प्राइस प्राइस तो बहुत कम है, बने रहिए। ओ भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो में आज जो है फाइनली जो सपना था एक तरीके से, अब टिकट बुक करने जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया का, थाईलैंड का बुक करने जा रहा हूँ टिकट। तो ये मेरा जो फर्स्ट था, मैंने बनाया था कि हाँ जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। इससे पहले अब मेरा पासपोर्ट करेक्शन हो गया था, ठीक है, तो पासपोर्ट करेक्शन करवाया, 3 वीडियो बना चुका हूँ पासपोर्ट करेक्शन पे, जितना हुआ इतना मेहनत किया है। तो आज फाइनली जो मैं टिकट बुक करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। 4-5 साइट से देख रहे हैं, उनमें से एक सबसे बढ़िया साइट मिली वो दिखाऊंगा आपको पूरा स्क्रीनशॉट के साथ में, ठीक है। प्राइस बढ़िया मिल जाएगा, टाइमिंग कम मिल जाएगी। कोशिश करना कि जब भी टिकट कराओ तो नॉन स्टॉप वाली ही कराओ, ताकि टाइम जो है कम लगे, ठीक है। तो नॉन स्टॉप में आपको 4 घंटे मिल जा रहा है, और एक स्टॉप 2 स्टॉप लोगे तो 9 घंटे 10 घंटे के हिसाब से दिख जाएगा। तो चलो आपको दिखाता हूँ सीधे स्क्रीन पर, आइए आगे। तो ये हमारी स्क्रीन, अब दिखाते हैं यहाँ से। देखो मैंने डाल दिया इज माई ट्रिप, सबसे बढ़िया साइट है इज माई ट्रिप। इस पर क्या करना है, सिंपल सा हम गए इस पर ओपन कर, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका, मैंने पहले से डाल रखा है, ये रहा मेरा क्या नाम है, दिल्ली से जा रहा हूँ बीके के, बैंकॉक का जो कोड आता है वो यहाँ पे मैंने अपनी डेट्स डाल रखी है, ठीक है। अभी इससे पहले मैं क्या नाम है सर्च कर रहा था, जिस वजह से ये सब चीज़ें फिल हैं, उन्हें आपको फिल करनी पड़ेगी। फिल करते समय ध्यान रखना राउंड ट्रिप जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि इंटरनेशनल जब भी जाओगे आपको जाने के तो दिखा रहे हो टिकट, वापस आने के भी दिखाना है, क्योंकि इमिग्रेशन में पूछ लेता है अभी तो जा रहे हो वापस कब आओगे, ठीक है। और होटल बुकिंग के साथ कहाँ पे रुक रहे हो, ठीक है, कोई आपका है वहाँ पर रिलेटिव वगैरह तो आप उनका एड्रेस दिखा सकते हो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हो। कंफर्मेशन के कभी कॉल करें तो कर लिया कि भाई आपके पास आ रहे हैं, तो वहाँ से कंफर्म करेंगे तो इमिग्रेशन क्लियर होगा। इमिग्रेशन का भी आएगा वीडियो, करेंसी एक्सचेंज का आएगा, वीज़ा का आएगा, सभी आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं सीधा नीचे, और एक बार ये एड्स वगैरह हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी मैंने सर्च नहीं किया, आ क्यों नहीं रहा, अब यहाँ से हम करते हैं डायरेक्ट सर्च। तो ये आपका जो है प्राइस है, यहाँ पे क्या कर देना, फिल्टर को कर देना शॉर्ट बाय प्राइस, तो यानी सबसे कम प्राइस वाला पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका मतलब धीरे धीरे प्राइस बढ़ो, चाहे 1 रुपए का फर्क क्यों ना वो प्राइस वाइज आपका दिखा देगा। तो चलो देखो दिखाते हैं, टिकट देख रहे हो किससे जा रहे हैं, सिर्फ आना जाना इतना। तो आप नॉर्मल गोवा का प्लान बनाते हो 15-20 हज़ार का ऐसे खर्च हो जाते नहीं होते। तो ये भी जो टिकट है ना 21, ये आने और जाने दोनों की मिला के, और 0% कन्वेंस चार्ज, ये नहीं कि इसके बाद ये बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब है कि आप अपना कुछ एक्स्ट्रा खाने पीने का ऐड कराना चाहते हो, कुछ सामान का वेट बढ़वाना चाहते हो, तो वो ऐड होगा, बाकी टिकट में कोई ऐड नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे अमाउंट आप सेलेक्ट करते हो INR के अकॉर्डिंग दिखाए, ठीक है, तो हमने INR रख रखा था कि इंडियन करेंसी में दिखाए। ये मत करना, यहाँ देख सकते हो ये कैसा है आपका नॉन स्टॉप, ओ क्या नाम है, स्टॉपेज वाला, वन स्टॉप। तो टाइमिंग देख रहे हो वापस आने की, तो चलो ठीक है नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप ही देखेंगे। देखो नॉन स्टॉप में 4 घंटे 35 मिनट है, तो एक स्टॉप में 10 घंटे देखो स्टॉप वाले हैं, तो ये देखो 16 घंटे फ्लाइट में रहना है क्या, हमें वापस भी आना है भाई, ठीक है। और वो भी जिसके बाद देखो जैसे ये है आपका, ठीक है, तो इसमें क्या है नॉन स्टॉप है। इसकी टाइमिंग देख लेते हैं, टाइमिंग इसमें टाइमिंग जो है थोड़ा सा रात का दे दिया है, 9:10 का दे दिया है, यानी 9:15 बजे आपकी फ्लाइट होगी, तो ये ठीक है उसके अकॉर्डिंग। बट मुझे मॉर्निंग जाना था, क्योंकि मान लो रात को आप जाओगे तो रात को तो आएगा आपको 2:45 बजे, मतलब सुबह के 2:45 बजे कहाँ भटकोगे सुबह, होटल में जो चेकिंग ही होता है वो 11 बजे होता है ना, ऊपर से थके रहोगे नींद आएगी तो कहाँ भटकोगे, तो ये मत करना, नाइट का मत करना। लेकिन अगर आप कर भी लेते हो बाई चांस, अगर लग रहा है कि कर सकते हो, तो आप क्या करना, स्टे जो है वो एयरपोर्ट पे ही ले लेना, टर्मिनल में स्टे बनाता है, फ्री स्टे भी होता है और लग्जरी स्टे भी होता है, वो आपके ऊपर है। दूसरा देखते हैं जो सुबह का हो, तो ये देख सकते हैं गो फर्स्ट बढ़िया, भी इंडियन कंपनी जो आपका गो फर्स्ट ही सही है। और इसमें टाइमिंग भी मेरे अकॉर्डिंग दे दिया 7 बजे का, 7 बजे का मतलब ये नहीं कि एयरपोर्ट पे जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच के भाई 7 बजे की ट्रेन है, तो पहुंचने 6:50 पे है ना, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर 7 बजे की है मिनिमम, वैसे तो 4 घंटे बोले जाते हैं, क्योंकि लाइन कभी लंबी हो जाती है तो सब में टाइम चेकिंग में ये सब तो टाइम ज्यादा लग जाता है। मिनिमम जो है आप 3 घंटे तो रखते चलोगे, 7 बजे की तो आप 4 बजे तो पहुंच ही जाओ, है ना, 7 बजे का, ठीक है, इतना आपका चार्ज है, बाकी 4 घंटे रखना। मैं तो रात में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि खाली बैठे ना बना ही लेंगे वीडियो। टर्मिनल थी देखा एयरपोर्ट, क्या मस्त एयरपोर्ट है भाई, उसको तो घूमना बनता है। अच्छा तो ये हो गया, अब वापस आने का भी देखो ठीक ही है मेरा, वहां से अब क्या करूंगा मैं, दिन में निकलूंगा बिल्कुल, ठीक है, दिन का वहाँ के हिसाब है 2 बजे के हिसाब से निकलूंगा, और यहाँ पे उतार देगा। ये जो टाइमिंग दिखा रहा है यहाँ की टाइमिंग दिखा रहा है, दिल्ली की टाइमिंग,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर बोलोगे यहाँ तो 2 बजे दिखा रहा है और यहाँ पे आपको 5 दिया, तो 3 ही घंटे हुए। टाइम जो डिफरेंस है वो 1.5 घंटे का डिफरेंस है। एक अगर ही यहाँ पे घंटे 3 बज रहा होगा तो वहाँ पे 5:30 बजे होंगे, ध्यान रखना। तो इस अकॉर्डिंग अगर वहाँ से हम 2 बजे निकलेंगे तो मैं यहाँ पे शाम को पहुंच सवा जाएंगे 5 बजे, और यहाँ से मेरा एयरपोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं, मेट्रो पकड़ूंगा, बगल में। 12 मिनट में मेट्रो से मैं घर पे। ठीक है, अब ढूंढने मत लग जाना। ठीक, तो इसी को बढ़िया है। ठीक बहुत बढ़िया, है, इसी को कर लिया जाए। क्योंकि बाकी नीचे है एक दो और, लेकिन फिर टाइम का भी, जैसे नीचे देखो स्पाइस जेट का सेम वही टाइम दे रहा, तो वो प्रिफर नहीं करता हूँ नहीं मैं, तो हटाओ, इसी मैं को एक बार करो। दोबारा चेक कर लेता हूँ। रीचेक नॉन स्टॉप है, 4 घंटे वाली नॉन स्टॉप, 4 घंटे वाली। 30 तारीख डेट और जो सात है तारीख 30 तारीख उधर से, सात तारीख 7 तारीख की है। चलो डेट बता दूँ, 30 तारीख से 7 तारीख का मेरी डेट है। ठीक है, कुछ नहीं छुपाना। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ बुक बुक। नाउ। ठीक है, 21,785 जो अमाउंट है, अब देखते हैं इसमें कितना पड़ता है। अगर ध्यान रखना, अगर आपका जो है 1,000 रुपये भी एक्स्ट्रा हो जाए तो समझ लेना कि आप गलत साइड पे हो। ठीक है, क्योंकि गलत थोड़ा बहुत जैसे मान लो आप बुकिंग वो क्या कर रहे हो, विंडो सीट वगैरह ले रहे हो, तब तो चलो ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा जिस हिसाब से कर रहे हो, 300 वाली, 500 वाली, 1,000 वाली, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर मान लो आप जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे क्या देखो ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है, और इंक्लूड किसी चीज क्या करता है वो अलग से जोड़ देता है, तो बिल्कुल यहाँ पे प्राइस वो 21,000 जो दिखा रहा है उसकी जगह हो जाएगा 22,000, 30,000, वो पहले हो जाएगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा ना बढ़े, 500 तक बढ़े, है ना, 500 तक अगर ज्यादा। बढ़े, 5,000 मतलब, या फिर हम 22, 22.5 तक मैक्सिमम करेंगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो इसमें जो देखो आपका फ्री कन्वेंस, जीरो कन्वेंस वो फीस खुद ही का, वो लगा लगा देगा देगा। खुद ही। चलो ठीक है, तो दूसरा क्या है, रिफंडेबल है प्राइस। ठीक है, लेकिन इसके भी शर्त होती है किस किस चीज़ पे रिफंड हो सकता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो फेयर रूल्स, बैगेज एंड वीजा इन्फॉर्मेशन। वीजा जो आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा, वीजा का भी वहीं पे वीडियो बना दूंगा डायरेक्ट, कि आप वीजा कैसे ले सकते हो, ई वीजा कैसे ले सकते हो या ऑन वीजा कैसे ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है गुड टू नो, कुछ चीजें हैं आपकी कि आप कितने सामान ले जा सकते हो, कैंसिलेशन चार्ज क्या होगा अगर आप कैंसिल करवाते हो, कितने टाइम पहले, फेस मास्क अभी भी कंपलसरी है, बिल्कुल कोविड के नियमों का अभी भी पालन करना है हमें, तो मैं भी लेके जाऊंगा मास्क, याद दिला दिए, भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, तो देखते हुए भाई, मैं देखो नहीं भी मैंने याद दिलाऊंगा तो वहां की ये मेरी सिक्योरिटी याद दिला जो वो देगी। अंदर ही नहीं जाने देंगे, फिर कहाँ मैं ढूंढूंगा भाई रात में मास्क खरीदते हुए, फिर किसी चीज का बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ध्यान, ये मेरी ऑफिशियल जो है मेल आईडी है, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मेल पे भी भेज सकता है, किसी को कुछ कहीं की टिकट भेजनी तो मुझे भेज सकता है, घूमने जा सकूँ मैं। ठीक है, तो करता हूँ मैं आज से कंटिन्यू बुकिंग। ठीक है, मैंने कर रखा है और मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे पहले मैं भर रहा था इसलिए आगे, ताकि मैं आपको एक जो प्रॉपर डिटेल बता सकूँ। जरूर तो फुल नेम ध्यान रखना, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, अगर आपका 3 नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या सरनेम है, तो फर्स्ट वाले कॉलम में फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम दोनों दोनों आएगा, आएगा। लास्ट नेम में आपका सरनेम आएगा, और नेम वही फिल करना है जो आपके पासपोर्ट में दिया हो, वरना सेम पासपोर्ट करेक्शन वाली दिक्कत आ जाएगी। वीडियो दोबारा देख लेना, 3 वीडियोस श्योर, की डली हुई है। ठीक है, तो ये ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हो गया। की बात बढ़ते हैं, फोन नंबर है, फोन इसको नंबर ब्लर को किया ब्लर करना जाएगा। पड़ेगा। जीएसटी नहीं है भाई, गरीब आदमी, कंपनी थोड़ी है ना मेरे पास, निकल देंगे। आज की बात बढ़ते हैं, कंटिन्यू बुकिंग। सबसे बढ़िया पार्ट मुझे ये लगता है, ओहो, ये रिजा का हवाई जहाज, वैसे सीट तो यहाँ की चाहिए थी पायलट के पास। पढ़ाई करनी अरे पड़ती लेकिन सर, उसकी भाई, आप ये यहां से उड़ा दो, नहीं एक काम पड़े, करो, नहीं यहां नहीं यहाँ से गलत, थोड़ा तो पास पड़ेगा, कट मारियो थोड़ा पास यार। पड़ेगा। ठीक है, कितना तो देखो बदल है, बढ़िया लगेगा ना यार, एक बार आप मन में आग सोच के देखो एक बार आगे से ऐसे। 2 द्वार, पीछे से 2 द्वार, ये रे वो आगे से 2 द्वार। अच्छा देखो इसके बता देता हूँ क्या कहते हैं, तो क्रॉस वाले जो है उस पर आपकी बुक नहीं हो सकती, या वो तो बुक बुक हो चुकी होंगी। है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो प्राइस दे रखी, पर्पल वाली जो है सबसे आगे की होती है, तो उसके हिसाब से देखो यहाँ दे रखा है आपका प्राइस। ठीक है, ये दे रखे हैं, और जो डार्क पर्पल है वहाँ की वो देख लो, 1,500 से 3,000, पैसा बचा रहे, लगाना थोड़ी ना हमें। ठीक है, ये हो गया, और देखना जिस पे ये एक्सल लिखा हुआ है, वो एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाले होते हैं, उनका प्राइस भी कुछ 1,400 से 1,500 एक्स्ट्रा पड़ जाता है। यहाँ देख लो, एक है जो फ्री वाली, जो अब नाम की फ्री हो गई, ऐसा कुछ इसमें तो दिया ही नहीं है कुछ। ठीक है, सेकेंड एक ही है जो बिल्कुल लाइट, एकदम लाइट स्काई ब्लू है, वो 0 से 200 रुपये होगा अगर आप कराओगे। उसके बाद ब्लू है जो 200 से 400 दो सौ दो पड़ेगा। सौ कुछ ठीक नहीं है, होगा, जो सबसे लास्ट प्राइस बोला है 200 अगर का वो 200 देखो ही होगा। हाँ अगर आप विंडो सीट ले रहे हो तो जो लास्ट वाला अमाउंट 400, तो वो लग जाएगा, इधर का ले रहे हो तो किसी में ऊपर नीचे हो सकता है, 200 से 300 हो जाएगा, 300 मान लो आप। ठीक है यार, याद मत करो, हिचकियाँ आ रही है। ठीक है, अब देखो ये देख सकते हो आप, इसको दिखा देते हो, बीच में देखो 150 दिखा रहा है ना, 0 से 200 वाले में, तो वो आपका हो गया। और ब्लू में जाएंगे यानी विंडो सीट, तो आपका हो गया 400 रुपये 400। ठीक है, एक्स्ट्रा। चलिए इनमें से कोई सी तो एक बुक कर ठीक लेते है, हैं अब बस। इधर जो मैं बुक कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 17 तारीख की, क्योंकि 17 अप्रैल का बर्थडे रहेगा, याद रखना, अगर कोई बाद में देख रहा कोई बात नहीं, विश कर देना कमेंट में। ठीक है,
तो जैसे मैंने इसको कर दिया बुक, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आप देखो, 17F दिखा रहा है। तो ये मेरे क्या नाम है टिकट का बुकिंग है, ठीक है। इसके आगे का इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, किसी ने जो पूरा प्रॉपर डाल दिया था उसका क्या किया था, किसी ने पता है, कॉल सेंटर में मतलब हेल्पलाइन पे कॉल करके टिकट ही कैंसिल करवा दी थी, क्योंकि सारी डिटेल मिल गई थी, उन्होंने कैंसिल करवा दी। ठीक है, तो मैं सीट भी ऐड कर देता हूँ, सीट दूसरी सेलेक्ट करूंगा। अरे इन्हीं में से कोई एक सीट बुक हो जाएगी, तो ये मेन चीज आपको बताएं, ठीक है। तो ये होगी, जैसे मान लो आप इस पे देख सकते हो, तो ये दिखा रहा है जैसे अभी के लिए हम 17 बुक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कर दिया मैंने, अब देखो 400 कर दिया, तो मेरे पैसे 150 हो गए, यानी 400 एक्स्ट्रा गया, वो आप अपने हिसाब से देख रहे हो तो वो चलेगा। और नहीं भी बुक, इसको अगर नहीं भी सेलेक्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप आपको, अगर आप नहीं करोगे तो फिर कोई ना कोई अपनी मर्जी से सीट दे देंगे, बट अगर आप बुक करना चाहते हो, मेरे अकॉर्डिंग में फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो विंडो सीट लेना बहुत बढ़िया नजारा मिलेगा जब आप जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद नीचे और भी चीजें हैं, आप देख सकते हो, ये देखो पीछे के दो द्वार और ये सारे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स मिल जाएंगी। एक्सल जो है, जैसा मैंने बताया था कि लेग स्पेस ज्यादा मिल जाता है, जो थोड़े से ज्यादा भारी लोग होते हैं, ठीक है, तो हेल्थी लोग, सॉरी। और नहीं, एक ना एविएशन के हिसाब से, एविएशन के हिसाब से जो एक्सल सीट्स होती है ना, ये सबसे ज्यादा सेफ होती है ओवर द फ्लाइट की। दूसरा देखो क्या है, सीट ओवर विंग के जस्ट ऊपर होती है, ठीक है। दूसरा देखो इसमें स्पेस ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा प्राइस कितना दिखा रहा है, ₹1200 एक्स्ट्रा दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें नहीं करना वो, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई यहाँ से, मैं क्या करता हूँ, बुकिंग कंटिन्यू करता हूँ अपनी, ठीक है। अभी और खर्चा लगेगा, तो यहाँ से करता हूँ कंटिन्यू बुकिंग। अब ये सब चीजें आ गई, लो भाई तमाम धाम, फालतू की चीजें हैं, भेल क्या पुदीना जैन, भेल पुदीना जैन, ठीक है। अपनी पुदीना तो नहीं, पुदीना समझ जाओ, कुछ अब्यूजिंग वर्ड जैसा लग रहा है, तो पुदीना मतलब है कुछ, मोहन बाम ने इसको प्रमोट किया ना, इसीलिए फा को फा बोल रहे, ठीक है। वेज बिरयानी 200, बिरयानी नाम मत लिया करो यार, नाम ना फिर गला गिरा हो जाता है। समोसे 2 समोसे घर से ले जा सकता हूँ भाई, 250 रुपए के समोसे दे रहे हैं तो ऐसा धक धक हो रहा है भाई। अरे जा यार, तू पागल है, तू जाना यहाँ से, ठीक। तो भाई इज्जत रखने, खाने की पड़ी, इज्जत रखने के लिए मैं क्या करता हूँ ना भाई, एक कॉफी बुक कर देता हूँ, 120 पड़ी, यहाँ 20 रुपए की कॉफी, ₹10 का दूध ला के, क्या करे तलब ही ऐसी है, ₹10 का दूध ला के, ₹2 की कॉफी डाल लो, ₹5 की चीनी। मैं तो कहता हूँ बोर्डिंग पास लेने के बाद जब इमिग्रेशन करा, कंटिन्यू बुकिंग। अब देखो यहाँ पे आ गया एक्स्ट्रा बैगेज, अगर आप कुछ ले जाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए अब ये मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, ये 5 kg यार ये ऐड करना है या उसे टिकट में इंक्लूड, आपकी जो टिकट है उसके अलावा अगर आपको 5 kg का यूज करना, तो मैं देख रहा बैगेज नहीं यार, उस पर दे रखा बैगेज का, क्या करें इसका, नहीं ठीक है, वो उसकी दिक्कत नहीं है, वो अभी ऐसे लगता है अगर होगा तो फिर वहां पे क्या, मेरे को पर्सन होता है, टिकट में तो 20 kg टिकट में पर पर्सन होता है, उसके अलावा अगर आपने होगा तो वैसे मैं कोशिश करूंगा ना, एक ना जो 20 kg वाला दे रखा है ना, मैं एक बड़ा ही बैग ले जाऊंगा, केबिन बैग ले ही नहीं जाऊंगा, अगर वो करेंगे तो मैं उसको बोल दूंगा इसी बैग में मेरा केबिन में डाल दूंगा। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा में ऐड हो रही हैं, एक्स्ट्रा में वो आपका, ये तो वो जो एक पर पर्सन के हिसाब से वो 10 kg 15 kg होता करते है। कंटिन्यू बुकिंग, ठीक है। कौन से आलू की बोरी लेके जाना है आपको वहाँ पे, तो देखो टोटल मेरा प्राइस हुआ है 22,305, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अदर्स में देखो जो मैंने बताया 500 तक एक्स्ट्रा जाऊंगा, ठीक है। तो 520 उसमें 120 की मुझे कॉफी हो गई, 400 की मैंने विंडो सीट ली, अगर ये भी कुछ नहीं लोगे तो आपकी 21,500 जो प्राइस थी 21,700 वही रहेगी आपकी, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया रहेगा। अब इसके बाद जो है मुझे पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को मतलब इसको पॉज करता हूँ और सीधा आपको उस पर दिखाता हूँ, मेरे कंफर्मेशन पेज में दिखाऊंगा, टिकट कैंसिल कर दोगे तुम लोग, ठीक है। तो मैं पेमेंट करता हूँ एक बार, तो हो गया फाइनली भाई, फाइनली हाथ कांप रहे थे मेरे वो करते हुए, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो पेमेंट रिसीव कंफर्मेशन, एयरलाइन बुकिंग कंफर्म, टिकट कंफर्म, आप एसएमएस भी मंगा सकते हो, एसएमएस भी मंगा लेता हूँ मैं, ठीक है। ईमेल है, वैसे तो आ जाता ऑटोमेटिक, बाय चांस नहीं आया हो तो आप ईमेल और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, पहले ही डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो अब सीधे बढ़ते हैं कहाँ, आगे की तरफ। तो अब इसके बाद जो होगा, एक मैं वीडियो लाने वाला करेंसी एक्सचेंज का, ध्यान रखना करेंसी जो है किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो उसकी करेंसी ले जाना किसी किसी कंट्री में कंपलसरी, जैसे थाईलैंड की कंपलसरी है कि इतना आपको ले जाना ही पड़ेगा। तो वो अगली वीडियो में दिखा दूंगा कि जब मैं करेंसी चेंज करवाने जाऊंगा, तो इसमें बताना कोई स्टेप ऐसा हो जो आपको लग रहा है कि छूट गया हो,
है ना। बिल्कुल वैसे तो कुछ छूटा नहीं क्योंकि सामने बुक किया है पूरा। ठीक है ये हो गया बढ़िया से, तो आगे आगे वीडियोस आती रहेंगे तो वो सब्सक्राइब करके रखो। जिसको मिलना होगा भाई 30 मार्च को जा रहा हूँ, फ्लाइट पकड़ूंगा सुबह की। आगे दूसरे शो इधर में उधर की भी मिलना। होगा तो मुझे मिल जाना, मुझे उसी समय भी इंस्टाग्राम पे मैसेज होगा मैं वहीं मिल जाऊंगा। ठीक है वैसे मैं रिचार्ज नहीं करा रखा, रिचार्ज करवाऊंगा। तो चलो बनते हैं आगे और मिलेंगे ऐसे कि अगले वीडियो में। अगले वीडियो मेरे अकॉर्डिंग तो करेंसी एक्सचेंज की होने वाली है, तो करेंसी एक्सचेंज में मिलता हूँ, पूरा रेट बताऊंगा उसका आपको। और आगे ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी तो सब्सक्राइब करके रखो। और वीडियोस की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है अब, चौके छक्के मारने। तो चलो अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दो थोड़ा सा। शेयर मिलते हैं करो। ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। सायोनारा।